हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमी मलिक, आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। भूख लग रही है, कुछ दोपहर में खाया नहीं है, तो सोचा क्यों ना चाय और थोड़े से पापड़ फ्राई करे जाएं। क्या करेंगे, ये खाना खाने का मन नहीं करता है मेरा। जब से मेरी थोड़ी तबीयत ढीली हुई है, किसी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि आपको क्या हुआ। अभी मैं इस पर तो नहीं बता सकती वीडियो पर कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि दुआ में याद रखना कि जल्दी से मैं अगर हॉस्पिटल जाऊँ तो जल्दी से आ जाऊँ। थोड़ी दिक्कत है, बस दुआ में याद आप रखना। उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिस बहन ने मुझे पूछा था कि आपको आप ही क्या हुआ है। और चलिए जी, अब मैं ईद पर थोड़ा बहुत सामान लेकर आई थी, मैंने चाय रख दी है और ये मेरे पापड़ हैं। अब इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और चाय बनाते हैं और चाय और पापड़ का मज़ा लेते हैं। ये देखेगा, मैंने कढ़ाई रख दी है, अब मैं इसमें थोड़ा तेल घेर लूँगी। वैसे तो मुझको ये सब चीज़ें मना है, लेकिन थोड़ा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बना लेती हूँ। ये देखेगा, चाय मेरी बन चुकी है, तेल मेरा गर्म हो रहा है। थोड़े से हम अब ये निकाल लेते हैं पापड़। चलिएगा, तेल मेरा हो चुका है, अभी मैंने बंद कर दिया है क्योंकि ज़्यादा गर्म ये हो गया था और चाय भी मेरी बन गई है। थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। ये मैं कल बाजार गई थी तो थोड़ा बच्चों के लिए लेकर आ गई थी, मैंने कल ले चुके थोड़ा बच्चे मेरे आराम से। जैसे नहीं मन होता कुछ खाने का तो हम ये फ्राई करके आराम से खा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे फ्राई हो गए हैं, अब मैं इनको आराम से निकाल लेती हूँ वरना जल जाएंगे। ये देखिएगा, मेरे फ्राई हो चुके हैं और चाय भी मेरी बन चुकी है। चले अब कर लेते हैं। ये देखिएगा, चाय और मेरी पापड़ बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप भी इंजॉय करिए, शाम के टाइम कुछ ना समझ में आए तो जल्दी से पापड़ फ्राई करिए और इंजॉय करिए। अल्लाह हाफिज़।